हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्या हम लोग शुरू करने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है पहले हम लोग वही देखेंगे, उसका अलग अलग डिविजन देखेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी चीज जिसको अगर हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या जैसे हम लोग टेबल को मेजर करते हैं या एक पर्सन को मेजर करते हैं तो क्या वो सारे टेबल चेयर या कोई भी पर्सन ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हुई क्या? तो नहीं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग टेबल को नहीं मेजर करते हैं, हम लोग टेबल की विड्थ को मेजर कर सकते हैं या टेबल की हाइट को मेजर करते हैं या टेबल की लेंथ को मेजर करते हैं। चेयर वैसे ही हो गया, तो चेयर की हाइट, चेयर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो लेंथ या जो उसकी विड्थ हुई या उसकी जो हाइट हुई वो सारी क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। या जैसे मान लो सपोज किसी पर्सन को हम लोग मेजर नहीं करते, जैसे हम लोग किसी पर्सन की हाइट मेजर करते कि हाँ यार ये पर्सन जो है वो 2 मीटर की उसकी हाइट है। ठीक है, तो वो 2 मीटर क्या हुआ? वो 2 मीटर जो लेंथ मेजर किया हमने, तो वो लेंथ जो होगा वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? कोई भी चीज जिसको मेजर कर सकते हैं वो सारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं? लेंथ हो गया, मास, किसी भी पर्सन का मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं, तो मास भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को मेजर करते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कोई पर्सन अगर दौड़ रहा है तो वो कितने सेकेंड तक दौड़ा, यहाँ से अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लग रहा है तो वो टाइम क्या हो गया? हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारी लेंथ, मास, टाइम, सपोज अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी हुई? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पास जिन सबको मेजर कर रहे हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या हो? फिजिकल क्वांटिटी इन सबको। ठीक है, जो भी टेबल चेयर हो गया या बोर्ड हो गया ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जैसे अगर सपोज हम लोग बोर्ड को मेजर करते हैं, जैसे बोर्ड का मेजर करते हैं तो बोर्ड की लेंथ, इसकी विड्थ मेजर करते हैं या इसके थिकनेस मेजर कर सकते हैं, ना कि इसका बोर्ड को ही मेजर करते हैं। तो ये टेबल चेयर, कोई भी पर्सन या कोई भी एक बोर्ड, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर या और भी बहुत सारी क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो ये सारे क्या हो? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल हमने देख लिया, कोई लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में QTY से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हुई इनको दो बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, कोई भी चीज को अगर डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनका बेसिस होता है। जैसे सपोज अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक डिवीजन हो सकता है कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, यानी मेल फीमेल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या डिवीजन कर सकते हैं कि कितने लोग स्पेक्टेकल्स का यूज करते हैं, कितने लोग नहीं यूज कर सकते। तो जब भी किसी भी चीज को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका हमारा कुछ ना कुछ एक बेसिस होता है कि हाँ यार इस बेसिस पे हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने दो बेसिस पे डिवाइड किया। फिजिकल क्वांटिटी को दो बेसिस पे डिवाइड किया, एक जो फर्स्ट डिवीजन हो गया। ठीक है, पहला जो डिवीजन का जो बेसिस रहा वो क्या रहा? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। फर्स्ट जो डिवीजन किया हमने वो किसके बिहाफ पे? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ। ठीक है, ये हमारा बेसिस रहेगा कि किसके पास डायरेक्शन होता है, किसके पास मैग्नीट्यूड होता है, क्या नहीं होता है, ये बिहाफ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को एक तरह से डिवाइड किया। दूसरा जो डिवीजन का हमारा बेसिस रहा वो रहा हमारा कौन सा? कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी कि कौन सी क्वांटिटी कौन कौन सी अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो अगर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे, टाइम पे। वैसे ही एक्सेलरेशन देखें तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और टाइम पे, जबकि लेंथ की बात करें तो वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो डिपेंडेंसी के बिहाफ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया। दो बेसिस हो गए, एक हमारा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और दूसरा
बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेस पे जो हमने डिवाइड किया तो पहला डिवीजन आया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दूसरा आया कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा एक आया हमारा टेंसर क्वांटिटी। तीनों के बारे में थोड़ा बहुत बस याद में देखना है, ठीक है, बाकी अपना जो डिटेल में जो पढ़ेंगे इन दो क्वांटिटी के बारे में स्केलर और वेक्टर, ये हमारा एक अलग चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में उस चैप्टर में हम लोग इसमें इन दोनों क्वांटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। टेंशन के बारे में थोड़ा बहुत ही बस देखेंगे। दूसरा जो डिपेंडेंसी, दूसरा जो बेसिस है डिवीजन का, तो उसके बिहाफ पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, उसके बिहाफ पे भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया क्वांटिटीज को। फर्स्ट क्वांटिटी हो गई कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड हो गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। थर्ड ये हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। पहला जो हमारा बेसिस था डिवीजन का वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और दूसरा था हमारा कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी की कौन सी पर्टिकुलर क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है या नहीं करती, ठीक है। आइए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जब भी अगर किसी भी क्वांटिटी को हमें अगर एक्सप्रेस करना रहता है तो वो हमारा रहता है, ये फर्स्ट पार्ट रहा इसका, अगर देखें ए पार्ट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे अगर एक पर्सन की अगर हाइट मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार इस पर्सन की हाइट क्या है, 1.5 मीटर। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करें तो 1.5 मीटर होगा, और ऊपर से नीचे अगर मेजर करें तो वो 2.3 मीटर हो जाएगा। इस तरीके की कोई इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट नहीं होती, ठीक है। या जैसे मान लो पर्सन अगर लेटा हुआ है तो ये नहीं होता है कि उसका उसकी लेंथ हो जाए 3.2 मीटर हो जाए, इस तरीके की चीजें नहीं होती, ठीक है। मास की बात करें तो एक पर्सन अगर बैठा हुआ हो, खड़ा हो या लेटा हुआ हो, हर समय उसका मास क्या रहता है, जो भी उसका मास, जैसे मान लो सपोज किसी पर्सन का मास 50 kg, ठीक है, तो 50 kg ही रहेगा चाहे वो पर्सन बैठा हुआ है या सोया हुआ रहे या कैसा भी रहे, ठीक है। जैसे मान लो अगर सपोज हम लोग शॉप पे भी अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि भैया एक काम करो आप इस तरीके से मेजर करो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, या फिर इस तरीके अगर ये जैसे मार्कर का ही मास मेजर करना, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि इस मार्कर को ऐसा हॉरिजॉन्टल रख के अगर देखे तो उसका मास कुछ और होगा, वर्टिकल रख के मेजर करे तो कुछ और, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। आपने अगर उनका मैग्नीट्यूड बता दिया तो वो क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी कि वैसी क्वांटिटी जिनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यानी क्वांटिटी या द क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude, ठीक है, which have only magnitude are called scalar quantity, are called scalar quantity, ठीक है। ऐसी quantity जिनके पास केवल magnitude होता है, मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ ले लो, ठीक है, मास ले लो, ठीक है, या फिर जैसे मान लो टाइम, अगर टाइम बताना हो तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि 12:10 हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। तो ये टाइम भी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा लिख सकते हैं, टेम्परेचर, बहुत सारी क्वांटिटी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारी क्वांटिटीज आती जाएंगी। जब भी एक नई क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड केवल बताएंगे तो वो परफेक्ट ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। उनके साथ साथ हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो 5 kg 10 kg जो भी है, 5 kg का ऑब्जेक्ट, मैं इसमें ये बोलूं कि 10 N का फोर्स लगाया, 10 सेकंड तक के लिए इस पे 10 N का फोर्स लगाया।
अब अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन क्या होगा तो हम लोग नहीं बता सकते। मैंने फोर्स ये बता दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, टाइम भी बता दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये माना जाए कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना किसी डायरेक्शन में मूव किया होगा, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। हमने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा तो ये ऑब्जेक्ट कहीं इधर की तरफ होगा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा तो ऑब्जेक्ट ये कहीं इस डायरेक्शन में आया होगा। यानी फोर्स के बारे में अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन देना हो या फोर्स के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हमें केवल मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या 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 बताना पड़ेगा, डायरेक्शन, कि आपने जो फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में लगाया, 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया या 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया या 10 न्यूटन ऊपर के डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो ये जो रहेगा फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और इसके साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताने पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक बार सोचो, अगर ये वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, मैं बोलूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगर 10 मिनट तक चला या 20 मिनट तक चला तो वो कहां पे पहुंचेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि ऐसी क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी के बारे में भी अगर बताना है तो हमें बताना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी हमारी, वेलोसिटी भी क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वैसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जब वेक्टर में पढ़ेंगे तो एक और चीज होता है इस पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, एंड ये चीज बस यहां पर डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका एक अलग तरीके से, जो भी वेक्टर और क्वांटिटी होती है उनको ऐड करने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, हम लोग आगे डिटेल में इसमें वेक्टर जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि विच फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ये वैसी क्वांटिटी है जिनके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब इनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ इनका डायरेक्शन राइट है, लेफ्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ऐसे इनके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे सपोज अगर इस डायरेक्शन में देखें तो उनकी वैल्यू अलग होगी, इस डायरेक्शन में देखें तो कुछ अलग वैल्यू होगी, किसी और डायरेक्शन में देखें तो कुछ अलग वैल्यू होगी। तो इनके पास डायरेक्शन होता नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। जैसे मान लो एक मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये देखिए, तो जैसे सपोज एक रॉड है या एक ऐसे सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर लिया हमने, तो इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है, बस एक चीज, ये हमारा रोटेशन में आता है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है इस डायरेक्शन में, ये इस एक्सिस के अबाउट कुछ अलग वैल्यू होगी, इस एक्सिस के अबाउट अलग होगी, इसके अबाउट अलग होगा, इसके अबाउट अलग होगा। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमारा वैसे आएगा रोटेशनल डायनेमिक्स में। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इस मोमेंट ऑफ इनर्सिया के पास डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जो इनकी वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसी क्वांटिटी यानी दोज क्वांटिटीज which don't have any particular direction
ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, बट दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू, बट दे विल हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन. इनके पास जो अलग अलग डायरेक्शन में जो होगा इनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया. ठीक है, तो ये पहला जो बेसिस था हमारा, जिस बेसिस पे हमने क्वांटिटीज को डिवाइड किया था वो सब हो गया. सेकंड हम लोगों ने इसके बारे में देखा था डिपेंडेंसी के बिहाफ पे. ठीक है, तो डिपेंडेंसी के बिहाफ पे पहली क्वांटिटी हम लोगों ने क्या देखी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे मान लो सपोज अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो क्वांटिटी उसको एक्सप्रेस करना है तो हमें ये मेजर करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही हम लोग करते हैं. लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हैं तो हमें कुछ और मेजर करने की जरूरत नहीं है. ये नहीं कि किस टाइम पे हम लोगों ने मेजर किया या किस डायरेक्शन में मेजर किया, ये सब मेजर करने की जरूरत हमें नहीं होती है. तो ये मास हो गया, सेम चीज होता है लेंथ के साथ, सेम चीज टाइम के साथ, या फिर टेम्परेचर देख लो. तो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको मेजर करने के लिए या जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल किसी और क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. यानी दो क्वांटिटीज those quantities which do not depend upon other quantities. अगर अगर दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही हो अदर क्वांटिटीज, ठीक है, are called fundamental quantities. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देख लिया क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें. ठीक है, दूसरा अगर देखें हम लोग ये डिराइव क्वांटिटीज. सेकेंड हम लोगों ने देखा था डिराइव क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मान लो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो सेट होता है उस पे ये उनकी जरूरत पड़ती है. जैसे मान लो वेलोसिटी, तो उसमें लेंथ की जरूरत होगी और टाइम की. डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या होता है, लेंथ ही होता है और टाइम तो है. तो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटीज की हेल्प लेने की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी. तो क्या लेते हैं, जैसे मान लो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स में कि टाइम इंटरवल होता है, टाइम ही होता है. तो डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह का लेंथ है और टाइम दोनों की जरूरत पड़ रही है, तब जाकर हम लोग क्या मेजर कर पा रहे हैं, वेलोसिटी. तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, डिराइव क्वांटिटी. जैसे मान लो फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है. तो फोर्स के लिए अगर मान लो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तो वो मेजर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, मास की. और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे और टाइम पे. और वेलोसिटी खुद ही किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे. तो ये ही कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव क्वांटिटी. तो क्या लिखेंगे कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच those quantities which are expressed या which can be expressed या which are expressed in terms of fundamental quantities. ठीक है, fundamental quantities are called derived quantities. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, derived quantities. एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी चीजें, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होंगे, derived quantity. एक थर्ड हमने देखा supplementary quantity. ठीक है,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी होंगी कि ये इनको इसमें दो ही क्वांटिटी आती है, जैसे फंडामेंटल हम लोग आगे पढ़ेंगे सेवन क्वांटिटी आएंगे, डिराइव्ड में बहुत सारी क्वांटिटी है ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में जो है वो केवल दो ही क्वांटिटी है, इनको ना तो फंडामेंटल में रखा गया और ना ही किसमें डिराइव्ड क्वांटिटी में, इनको एक अलग सेक्शन एक अलग नाम दे दिया गया कि हम लोग इन दो क्वांटिटी को कौन कौन सी, एक प्लेन एंगल और दूसरा कौन सा सॉलिड एंगल, एक हमारा कौन सा रहेगा प्लेन एंगल, दूसरा रहेगा सॉलिड एंगल, इन दोनों क्वांटिटी को हमने एक नाम दे दिया अलग से कि इनको हम लोग क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि प्लेन एंगल कैसे मेजर करेंगे और सॉलिड एंगल कैसे मेजर करेंगे। चलिए प्लेन एंगल देखते हैं, पहला दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है ठीक है, एक हमारा कौन सा है प्लेन एंगल, वैसे एंगल के बारे में हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हुए ठीक है। ये एंगल कब फॉर्म होता है कि जब भी दो रे एक जगह पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान लो दो रे ले लिया आपने ठीक है, सपोज एक नाम ओ ए दे दिया और दूसरा ओ बी ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दो रे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है एंगल का ठीक है, वहां पे क्या फॉर्म होता है एंगल, इसको किससे डिनोट करते हैं थीटा अल्फा बीटा गामा किससे भी डिनोट कर सकते हैं ठीक है, ये क्या लिखते हैं एंगल ए ओ बी, लिखने का तरीका सभी को पता है थीटा अल्फा बीटा गामा जो भी लिख सकते हैं ठीक है, ये जो रहता है ओ ए जो रे रहता है इसको क्या बोलते हैं इनिशियल रे, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल रे, और ये जो रहता है ओ बी इसको क्या बोलते हैं हम लोग टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। अब एक बात है ये जो थीटा जो बताएगा हमें क्या बताता है कि इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक पहुंचने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, ये हमें क्या बताएगा कि इनिशियल रे को अगर टर्मिनल रे तक पहुंचना है ठीक है तो वो कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन बताएगा, ये अमाउंट ऑफ जो रोटेशन होता है वही हमें क्या बताता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक प्लेन में बन रहा है, जैसे हम लोग बात करें कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा वो क्या है ये इस बोर्ड के प्लेन में बना हुआ है ठीक है, यानी टू डायमेंशनल एंगल है ठीक है, तो ये एंगल ए ओ बी हम लोग क्या बोलते हैं इसको थीटा, यानी जो थीटा का जो मेजरमेंट होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन बताएगा ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ये क्या बताएगा थीटा, कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होना चाहिए जिससे कि इनिशियल रे किसके पास पहुंच जाए, क्या वो इनिशियल रे किसके पास पहुंच जाए टर्मिनल रे के पास ठीक है, ये हमारा जो मेजरमेंट ऑफ क्या होगा एंगल ठीक है। ये कैसे डिनोट करते हैं तो जैसे मान लो इसका अगर ऐसा यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट जो होता है ये जो यूनिट होता है इसको मेजर किसमें करते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन ठीक है, ये हम लोग किसमें मेजर करते हैं तो रेडियन में मेजर कर सकते हैं ठीक है, या फिर जैसे डिग्री में भी मेजर करते हैं, जैसे हम लोग मेजर करते हैं यार 30 डिग्री 60 डिग्री, वैसे ही एक और यूनिट हम लोग पढ़ेंगे रेडियन ठीक है। ये प्लेन एंगल देखते हैं इसका रिलेशन क्या होता है, ये जैसे मान लो सपोज एक सर्कल हमने मेजर, एक सर्कल फॉर्म हो, ये इनिशियल रे है, ये इसका सेंटर है ओ, ये इनिशियल रे ए है ठीक है, अगर टर्मिनल रे यहाँ पे ओ बी है और इसका एक मेजरमेंट कितना थीटा, तो ये किसके द्वारा बनेगा, जैसे ही अगर सपोज ओ ए रे रोटेट होगा तो ये इतना लेंथ मेजर, इतना लेंथ रोटेट होगा, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं आर्क लेंथ, क्या बोलते हैं आर्क लेंथ, और ये जो आता है वो OA और OB क्या होगा रेडियस, OA और OB क्या होगा रेडियस ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा लिखते हैं हम लोग प्लेन एंगल थीटा, प्लेन एंगल अगर थीटा को डिफाइन करना हो प्लेन एंगल थीटा इक्वल्स टू कैसे डिफाइन करेंगे तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन क्या आएगा रेडियस ठीक है, आर्क लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एल से और रेडियस किससे आर से, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा एल बाई आर। अब एक बार देखो इसमें हम लोग वन रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा इक्वल्स टू हमारा आ गया एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू हमने देख लिया क्या एल बाई आर के बराबर ठीक है। एक और यूनिट हमने क्या देखा था, ये तो डिग्री हो गया, दूसरा कौन से रेडियन देखा था ठीक है, तो जो 180 डिग्री हमें पता है कि 180 डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर इनिशियल रे हमारा ये है ओ ए और फाइनल रे यानी टर्मिनल रे अगर ये है तो इसके बराबर ये कितना एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग कितना बोलते हैं 180 डिग्री, कितना बोलते हैं 180 डिग्री,
और इसी को हमने क्या बोला कि इसी को हम लोग बोलेंगे पाई रेडियन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या बोलेंगे पाई रेडियन। जैसे मान लो हमने क्या लिखा कि 180 डिग्री के लिए हम लोग क्या बोलते हैं डॉट बनाते हैं, तो वैसे ही रेडियन में अगर डिनोट करते हैं तो पाई के ऊपर क्या लिख देते हैं सी। ठीक है, 1 रेडियन हम लोग कब बोलेंगे कि कब है 1 रेडियन का एंगल फॉर्म होता है, 1 रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये देखो, जैसे मान लो ये जो अगर सपोज आर्क लेंथ, ये सब रेडियस कितना है आर, और अगर आर्क लेंथ जो हो वो एल भी किसके बराबर हो जाए आर के बराबर। यानी सपोज अगर एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल में अगर ये एंगल फॉर्म हो रहा है किसके बराबर एल आर्क के द्वारा, एल लेंथ के आर्क के द्वारा, अगर ये एल लेंथ का आर्क किसके बराबर हो जाए रेडियस के बराबर, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। कितना बोलते हैं इसको 1 रेडियन। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल्स टू ए क्या बोलेंगे कि इफ एल इक्वल्स टू आर देन थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, यानी ये किसके बराबर होगा 1 रेडियन के बराबर। और यहां से देखो 180 डिग्री को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है पाई रेडियन का। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या है एल बाय आर इक्वल्स टू क्या बोला हमने 1 रेडियन। अब एक चीज देखो, ये कन्वर्जन भी कभी कभी आता है कि जैसे मान लो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन को डिग्री में। तो जब भी अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो यहां से देखो कि 180 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर पाई रेडियन, यही लिखा हमने, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर तो पाई बाई 180 रेडियन, यही आएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब भी अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180। इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, वही अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन इक्वल्स टू किसके बराबर तो 180 डिग्री अपॉन कितना पाई। यानी इस वाले केस में अगर जब भी रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो ये चीजें दो ध्यान रखनी है अपने को कि अगर मान लो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे पाई बाय 180 से, और अगर डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से। जैसे एग्जांपल में एक छोटा सा देख लेते हैं कि 30 डिग्री को सपोज हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। तो यहां से किसके बराबर 30 डिग्री इनटू पाई बाय कितना 180 डिग्री किसके बराबर तो पाई बाय 6 रेडियन के बराबर। तो वैसे ही अगर मान लो रेडियन को डिग्री में करना है तो वैसे ही मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, ये हमारा क्या हो गया प्लेन एंगल। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा सॉलिड एंगल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होगा। जैसे प्लेन एंगल हमारा किसमें बनता था किसी एक प्लेन में, टू डायमेंशनल एंगल होता था, ये सॉलिड एंगल हमारा क्या होगा थ्री डायमेंशनल एंगल। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल एंगल कहाँ कहाँ पे मिलता है सॉलिड एंगल। जैसे मान लो सपोज जो आइसक्रीम का कोन होता है, अगर हमने ये कोन वाला आइसक्रीम अगर कभी खाया हो तो उसमें देखना कि यहाँ पे इस तरीके का शेप रहता है, इसमें आइसक्रीम ऊपर से फिल अप रहता है ऐसे, तो ये जो रहता है ये जो एंगल फॉर्म होता है इसके एपेक्स पे, ये जो एंगल फॉर्म होता है ये हमारा क्या है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सॉलिड एंगल। यानी एक बार देखो प्लेन एंगल क्या था हमारा टू डायमेंशनल एंगल, ये सॉलिड एंगल हमारा क्या होगा थ्री डायमेंशनल एंगल। कौन सा एंगल रहेगा थ्री डायमेंशनल एंगल रहेगा। ठीक है, ये जैसे वहां पे प्लेन एंगल किससे बनता था, ये जैसे मान लो इनिशियल रे ये टर्मिनल रे ये बनता था आर्क लेंथ से। ठीक है, ये एल बनता था। यहाँ पे जो सॉलिड एंगल फॉर्म होगा वो किससे बनेगा एक सरफेस से बनेगा, किससे बनेगा सरफेस से। कि जैसे मान लो सपोज अगर हमने ऐसा ले लिया, अगर कुछ इस तरीके का अगर एंगल फॉर्म कर रहे थे, ये जो सरफेस जो फॉर्म होता है ये इस तरीके का सपोज एक एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो सरफेस होगा ये हमारा यहाँ पे सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा। तो ये सॉलिड एंगल किसके कारण फॉर्म होता है सरफेस के द्वारा। सॉलिड एंगल किससे फॉर्म होता है सरफेस के कारण फॉर्म होता है, जबकि ये प्लेन एंगल किससे फॉर्म होगा किसी एक लाइन या किसी एक आर्क के कारण फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लिया सपोज ये हमने लिया एक सरफेस, ठीक है, ये सरफेस लिया, ये सरफेस कितना एस, यहाँ पे सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। सॉलिड एंगल को किससे ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल्स टू सॉलिड एंगल
ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ये सरफेस एरिया एस अपॉन जो इस सरफेस एरिया का ये जो सरफेस होता है उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है ये इस पॉइंट से जहां पे सॉलिड एंगल फॉर्म होता है जैसे पॉइंट ओ पे सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहां से इस सरफेस का जो पोजीशन वेक्टर आएगा अपॉन आर स्क्वायर उसका आर स्क्वायर ठीक है। अब एक बार देखो कि ये ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया एस अपॉन आर स्क्वायर तो जो सॉलिड एंगल जैसे अगर मान लिया आपने प्लेन एंगल में देखा था हमने कि अगर एक कंप्लीट सर्कल होता है ठीक है कंप्लीट सर्कल जो होगा वो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म करेगा ये अगर थीटा की वैल्यू निकालिए तो थीटा इक्वल्स टू क्या निकालता हूँ एल अपॉन आर ठीक है ये रेडियस कितना है आर ये एल की वैल्यू किसके बराबर है अगर कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है तो कितना आर की लेंथ होगा टू पाई आर के बराबर तो टू पाई आर अपॉन कितना आर तो ये कितना एंगल फॉर्म होगा टू पाई रेडियन कितना एंगल फॉर्म होता है 2 पाई रेडियन यानी अगर एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो उसमें कितना एंगल फॉर्म होता है 2 पाई रेडियन। वैसे ही अगर एक सरफेस के द्वारा अगर ये सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है तो जब ये पूरा का पूरा सरफेस कंप्लीट होगा तो हमें क्या मिलेगा स्फीयर क्या मिलेगा एक स्फीयर मिलेगा यानी जैसे ही अगर इस पर्टिकुलर इसके सेंटर पे अगर हम एक सॉलिड एंगल बना रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा एक पूरा का पूरा स्फीयर मिलेगा जिसका रेडियस कितना आर। तो अगर इसके कारण अगर सॉलिड एंगल हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा तो s अपॉन r स्क्वायर सॉलिड ये सरफेस कितना तो जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होगा 4 पाई रेडियन ठीक है। यानी ये जो ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है क्या मैक्सिमम वैल्यू इन द सेंस कि एक कंप्लीट सरफेस के द्वारा कितना एंगल बन सकता है तो 4 पाई रेडियन जैसे यहां पे कंप्लीट सर्कल के द्वारा कितना एंगल फॉर्म होता था 2 पाई रेडियन वैसे ही यहाँ पे कंप्लीट स्फीयर के द्वारा कितना एंगल फॉर्म होगा 4 पाई रेडियन का ठीक है। आगे इसे यूज भी आएगा 12th में अच्छा खासा यूज होता है। चलो एक बार चीज देखना है ये जो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल इसको मेजर किसमें करते हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है स्टेरेडियन इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन ठीक है। सॉलिड एंगल जैसे हम लोगों ने क्या देखा था रेडियन जो प्लेन एंगल को किसमें मेजर करते थे रेडियन में सॉलिड एंगल किसमें मेजर करते हैं स्टेरेडियन में